Yes, good morning students. We are from Bassin Public School and today we are starting class 7th English chapter number 2nd, the Drossy Camel. अब देखिए ये जो स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और ये जो है कैमल रहता है और जो कैसा कैमल है वो बहुत ज्यादा आलसी किस्म का कैमल रहता है तो वो किस तरह से फिर काम करना चालू करता है क्या उसका इस थोड़ा सा बड़ा मजेदार चैप्टर हम इसको आगे बढ़ते हुए चलते हैं देखिए आगे क्या होता है इसमें हाँ देखिए एक जो स्टोरी है इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प आप कैमल को आखिर उसका हम्प कैसे मिला उसको कैसे वो चीज प्राप्त हुई है ना ऐसा उसमें और किसके द्वारा ये लिखी गई है रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा ये स्टोरी लिखी गई है चलिए हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं द ड्रॉसी कैमल देखिए इट वॉज द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड जब पूरी दुनिया बन रही थी पूरी दुनिया का स्टार्टिंग हो रही थी बिगिनिंग हो रहा था व्हेन द एनिमल जस्ट बिगिनिंग टू वर्क फॉर मैन और जो एनिमल्स जो थे वो सभी इंसानों के लिए काम करने के लिए तैयार हो गए थे उनके लिए काम करना उन्होंने चालू कर दिया था देयर वॉज ए कैमल लेकिन एक कौन था एक कैमल था और वो जो कैमल था वो कैसा था ही लिव्ड इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट वो मिडल में रहता था डेजर्ट के और इसके साथ में क्या प्रॉपर्टी थी उसके साथ समस्या ये थी कि वो काम नहीं करना चाहता था वो किसी तरह से कोई भी काम नहीं करना चाहता था ही एट स्टिक्स वो सी जो स्टिक्स है उनको खा लेता था थॉर्न्स को खा लेता था है ना और प्रिकल्स जो होते हैं कांटे वगैरह जो होते हैं उन सबको वो खा लेता था छोटे मोटे सब चीज लकड़ियां वगैरह जो है ना जो डेजर्ट में हुआ करते हैं उन सब चीजों को खा लेता था खा लिया करता था एंड व्हेन एनीबॉडी स्पोक टू हिम सेड हम जब भी कोई उससे कुछ भी कहता था तो वो कहता था हम और हम कह के सबकी वो मजाक उड़ाता था हम जस्ट हम एंड नो मोर और सिर्फ हम के अलावा वो और कुछ नहीं कहता था और सबकी जोर जोर से खिल्ली हंसा खिल्ली उड़ाया करता था मजाक करता था मजाक उड़ाया करता था कि सब लोग कैसे इंसान के पीछे काम करते रहते हैं और मैं स्वतंत्र हूं मैं तो कोई काम नहीं कर रहा हूं हाँ आगे देखिए क्या होता है स्टोरी में हाँ प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू हिम ऑन मंडे अब देखिए मंडे के दिन जैसे संडे को छुट्टी थी मंडे को जैसे स्टार्टिंग हुई तो हॉर्स उसके पास में आया और विद ए सैडल ऑन हिज बैक एंड सेड कैमल वो उसके साथ में सैडल था और उसके कैमल से उसने क्या कहा कैमल ओ कैमल कम आउट एंड ट्रोल लाइक द रेस्ट ऑफ अस तुम भी हमारी तरह काम करने के लिए चलो जो हम कर रहे हैं वही काम आपको भी करना है ऐसा उसने बोला कैमल ने देन हम कैमल ने क्या कहा हम कहा है ना और सेड द कैमल एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन और हम कहने के बाद में वो जो है जो कैमल हॉर्स था वो वहां से चला गया और जाने के बाद में उसने जो व्यक्ति जो था जो हमने स्टोरी के स्टार्टिंग में यहाँ पर बैठा हुआ व्यक्ति देखा था है ना देखिए यहाँ पर उससे उसने इंफॉर्मेशन दी कि उसने तो हम बोला है अब क्या करें ठीक है ऐसा ऐसी चीज आ रही थी आगे देखिए आगे क्या होता है प्रेजेंटली द डॉग कैम अब उसके बाद क्या हुआ डॉग वहां पर पहुंचा है ना विद स्टिक और उसके साथ में एक स्टिक भी थी इन हिज माउथ वो उसके मुंह में लगी हुई थी स्टिक ठीक है और उसने कैमल से कहा क्या कहा कैमल ओ कैमल कम एंड फेच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस तुम भी मेरे साथ आओ और जो हम काम करते हैं उसको हम लोग वही हम काम करेंगे आप हमारे साथ काम करना ठीक है ऐसा उन्होंने कहा इसके बाद फिर क्या हुआ भाई देखिए और कैमल ने क्या कहा हम वो सिर्फ हम बोल देता था एंड सेड द कैमल एंड द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन अब वो जो डॉग था वो फिर चला गया लौट कर और उसने भी जाकर उस व्यक्ति को बताया कि जो उसने तो हम बोल दिया है अब प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू हिम उसके बाद में वहां पर कौन आया उसके बाद में फिर वहां पर
ऑक्स आया है ना, ऑक्स ने क्या कहा, विद द योक हॉर्स कॉलर है ना, देखिए वो कॉलर जो हुआ करती है उसकी है ना, जो ऑक्स है उसके साथ में उसके गले में पट्टा बंधा हुआ था इसकी उसकी नेक पर, एंड सेड द कैमल है ना, कैमल से उसने क्या कहा, कैमल ओ कैमल कम एंड प्लो लाइक द रेस्ट ऑफ अस, तुम आओ मेरे साथ में और हम लोग क्या करेंगे, प्लॉइंग करेंगे, ऐसा उसने कहा। प्लॉइंग मतलब क्या होता है, खेत को हांकना, ऐसा उसने बोला। और कैमल ने क्या कहा, हम, कैमल ने हम बोल दिया। एंड सेड द कैमल एंड द ऑक्स वेंट अवे, जो ऑक्स था वो भी लौट कर चला गया, तो सभी लोग जो है उसके हम सुनकर वो लौट कर चले गए थे, क्योंकि वो तो किसी की सुन ही नहीं रहा था, वो तो सबकी मजाक उड़ा रहा था। हाँ फिर क्या हुआ देखिए, एट द एंड ऑफ द डे, अब जो डे थे वो एंड होने वाले थे, द मैन कॉल्ड द हॉर्स एंड द डॉग एंड द ऑक्स टुगेदर, तो मैन ने हॉर्स को बुलाया, डॉग को बुलाया और ऑक्स को बुलाया, और उन्होंने क्या कहा, उस मैन ने क्या कहा, थ्री ओ थ्री, तुम तीनों है ना, आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, मैं तुम तीनों के लिए बहुत ज्यादा क्षमा प्रार्थी हूँ है ना, मुझे माफ करना, बट दैट हम्प थिंग इन द डेजर्ट कैन नॉट वर्क और ही वुड हैव बीन हियर बाय नाउ, अब जो हम्प वाली जो चीज है वो अब काम नहीं करेगी डेजर्ट में, और अब तुमको क्या करना पड़ेगा, तुम लोगों को आई एम गोइंग टू लीव, अब मैं लीव पर जा रहा हूँ, और क्या करना पड़ेगा, आप तुमको उस कैमल का काम भी करना पड़ेगा, एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट, ठीक है, ताकि इस काम को तुम पूरा कर सको, इसलिए तुमको डबल काम करना पड़ेगा, और ऐसा कहकर वो, ऐसा उस व्यक्ति ने कहा। अब देखिए फिर क्या हुआ, दैट मेड द थ्री वेरी एंग्री, जब तीनों को भाई डबल काम करना पड़े तो उन्हें तो गुस्सा आ गया, क्योंकि उन्हें और भी काम टाइम जो फ्री भी चाहिए था है ना, एंड दे हैड They held a meeting on the edge of the desert. But वो desert के किनारे पर पहुंचे और उन्होंने एक meeting start की, है ना? And the camel joined and the laughed at them. और वहां पर camel जो है जुगाली करता हुआ वहां पर आ गया और उनके ऊपर जोर जोर से हंसने लगा। और फिर क्या हुआ? और उसने क्या कहा? Then he said hump. और फिर उसने कहा hump कहा and went away. और hump कहकर वो हंसकर उनकी मजाक उड़ाकर वहां से अंदर वहीं चला गया, सेंटर ऑफ द डेजर्ट में फिर से चला गया। प्रेजेंटली देयर केम अलोंग विद अ डजन हु वाज इन चार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट रोलिंग इन ए क्लाउड ऑफ डस्ट, तभी वहां पर क्या हुआ, तभी वहां पर एक बड़ा सा जिन्न वहां पर आ गया, और उस जिन्न ने क्या देखा, उस जिन्न के चारों तरफ क्या था, धुआं धुआं हो रहा था, ठीक है, और वो जो जिन्न था वो पूरे के पूरे जो डेजर्ट था उसका इंचार्ज था, वो वही डेजर्ट वाला वो जिन्न था, ठीक है, तो डेजर्ट पूरा डेजर्ट जो था उसी के अंडर में था। हाँ देखिए यहाँ पर हमको वो जिन्न दिखाई दे रहा है, और वो ये हॉर्स है ना, ये ऑक्स वगैरह है, ये सभी एनिमल्स ही वहां पर है, ठीक है, जिनको जबरदस्ती काम करना पड़ रहा, डबल डबल काम करना पड़ रहा था। तो यहाँ पर जब वो जिन आ गया तो उसके बीच में क्या बातचीत हुई देखिए। हाँ डिजन टू ऑल डेजर्ट, अब उसने क्या बोला, सेड द हॉर्स इट इज राइट फॉर एनीवन टू बी आइडल, क्या ऐसा होना चाहिए, इतना सारा आलसी किसी को होना चाहिए क्या, ये सही है क्या, उसने सर्टेनली नॉट, डिजन ने क्या कहा, नहीं नहीं इतना आलसी किसी को होना नहीं चाहिए है ना, क्या होना चाहिए, हमें को कर्मठ व्यक्ति होना चाहिए, हमको अपने कामों के ऊपर ध्यान देना चाहिए और उनको समय से कंप्लीट भी करना चाहिए। वेल सेड द हॉर्स, और ऐसा ही हॉर्स ने कहा, ये तो गलत है, देयर्स ए थिंग इन द मिडिल ऑफ अ डेजर्ट विद अ लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग्स, लेकिन उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि एक चीज जो है वो मिडिल ऑफ डेजर्ट में है और उसकी लंबी सी गर्दन है और उसके लंबे लंबे पैर हैं, ही डजंट डन ए स्ट्रोक ऑफ वर्क सिंस मंडे मॉर्निंग, और मंडे मॉर्निंग उसने एक कुछ भी काम नहीं किया, ही वॉन्ट ट्रोट, वो कुछ काम करना भी नहीं चाहता, वो चलना नहीं चाहता है, वो मूव नहीं करना चाहता है, वो सबकी मजाक उड़ा देता है, ऐसा उन्होंने कहा। When said the dozen said the whistling to that's my camel, उसने क्या कहा, ओ ये तो मेरा कैमल है, ऐसा उस जिन ने
क्या कहो, व्हाट डज ही से अबाउट इट, तुम उसके बारे में क्या कह रहे, ऐसा है क्या, ऐसा उसने क्वेश्चन किया। हाँ देखिए वो जो कैमल था उसने क्या कहा, वो सभी लोग बता रहे थे उसके बारे में, he says hump, वो सिर्फ हम कहता है, and he won't plow, said the ox, ox ने कहा कि वो प्लोइंग का काम नहीं करता है और वो सिर्फ हम कहता है, very good, said the dizzin, जो dizzin था उन्होंने कहा बहुत अच्छा है, ठीक है ना, I will hump him, मैं उसको अब हम करना उसको, तुम सिर्फ इंतजार करो, मैं उसको सब चीजें सिखा दूंगा, मैं उसको सब काम करवाएंगे हम उससे, ठीक है, ऐसा उसने डिजिन ने बोला। द डिजिन रोल्ड हिमसेल्फ अप इन हिज डस्ट क्लॉक एंड लुक वॉक अक्रॉस द डेजर्ट एंड फाउंड द कैमल, उस डिजिन ने क्या किया, अपना हाथ घुमाया और हाथ घुमाने के बाद में जब रोलिंग किया तो वहां पर बहुत धुआं धुआं टाइप का हो गया, ठीक है, और उसने वहां पर क्या ढूंढ लिया कि कैमल कहां पर है, उसने उन्होंने ढूंढ लिया, उन्होंने उन्हें क्या दिखाई दिया कि जो कैमल था वो अपना फेस जो है वो कहां पर देख रहा था, वो रिफ्लेक्शन में देख रहा था, पूल में पानी जो था वहां पर रिफ्लेक्शन आ रहा था, उस वाटर में वो अपना फेस को देख रहा था। माय फ्रेंड सेड द डिजिन, व्हाट्स दिस हियर ऑफ यू, यू आर डूइंग नो वर्क, और वहीं से उसने देखकर क्या कहा, ये मित्र जो तुम जो है काम क्यों नहीं कर रहे हो, लोग तुमसे काम करने का कहते हैं तो तुम काम क्यों नहीं कर रहे, ऐसा उन्होंने पूछा। The dizzin sat down with his chin in his hand while the camel looked at his own reflection in the pool of water। जो जिन था वो उसने अपनी चिन की तरफ में उसके जो बाल थे उनको उसमें हाथ फेर रहा था, उनको हाथ लगा रहा था, उनसे पूछ रहा था, और जो कैमल क्या कर रहा था, कैमल अपने रिफ्लेक्शन को कंटिन्यू देख रहा था, कैमल जो है वहीं पर लगा हुआ था अपना काम करने के लिए, अपना फेस देख रहा था कैमल, देखिए किस तरह से देख रहा है, ये यहाँ पर रिफ्लेक्शन जो है वो अपने रिफ्लेक्शन को देख रहा था, और यहाँ पर जो है जिन उससे बात कर रहा था वो उसकी बात को सुन ही नहीं रहा था। और अब फिर क्या हुआ देखिए, यू हैव गिवन द थ्री एनिमल्स एक्स्ट्रा वर्क ओवर सिंस मंडे मॉर्निंग, अब जो डिजिन था वो क्या बोल रहा था कि तुमने तुम्हारे कारण जो है मंडे से सभी जो दूसरे एनिमल्स जो हैं वो काम कर रहे हैं, ऑल ऑन योर अकाउंट ऑफ आइडल, क्योंकि तुम जो है तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा आलस्य समाया हुआ है, उसने ऐसा कहा। एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विद हिज चिन इन हिज हैंड, और वो अपने चिन को जो है उसके हाथों से वो लगाता रहा, वो सोचने लगा, डिजिन जो था वो सोचने लगा। हम्प, और कैमल ने क्या कहा, हम्प, said the camel, I shouldn't say that again, और उसने क्या कहा, उसने डिजिन ने क्या बोला कि मैं अब ये तुमसे दूसरी बार ये नहीं सुनना चाहता हूँ, I worry you, said the डिजिन, है ना, मैं यहाँ पर अब तुमसे ये चीज फिर से नहीं कहना चाहिए, तुमको अब डबल दोबारा नहीं कहना है, you might say it once too often, अब तुम इसको दूसरी बार नहीं कह सकते हो, I want you work, मैं चाहता हूँ कि तुम काम करो, तुम अच्छी तरह से सभी के साथ मिलकर काम करो, ऐसा उन्होंने कहा। एंड द कैमल सेड हम्प, और फिर से कैमल ने क्या कहा, कैमल ने फिर से हम्प बोल दिया, एंड अगेन, एंड द कैमल सेड हम्प अगेन, उसने फिर से हम्प बोल दिया, बट नो सूनर हैड ही सेड इट देन ही सॉ हिज बैक, अब जैसे ही उसने हम्प बोला वैसे ही जल्दी से उसकी जो बैक थी उसके बैक के ऊपर हम्प जो है वो ग्रो होने लगा, और धीरे धीरे वो बहुत बड़ा सा होगा, दैट ही वॉज सो प्राउड ऑफ पफिंग अप, अब उसे लगा कि ये तो मेरा जो है ऊपर यदि थोड़ा सा पफ यदि आ रहा है तो उसको अच्छा लगने लगा, लेकिन क्या हुआ वो पफ, एंड द पफिंग अप इनटू ग्रेट बिग हम्प, जो पफिंग जो था हो रहा था ऊपर उठ रहा था जो वो बहुत बड़ा ऊपर उठ गया, दैट इज वो बहुत बड़ा हम्प के रूप में वो बन गया, इस तरह से कैमल के पास ऊपर जो है हम्प बन गया था वो जिन के कारण। आगे देखिए, हाँ, do you see that, said the dizzin, dizzin ने क्या कहा, तुमने उसको देखा क्या, हाँ, that's your very own hump, अब ये तुम्हारा खुद का हम्प है, that's you have brought upon your very own self by not working, और ये इसलिए है क्योंकि तुमने जो है तुम्हारे लिए कोई काम नहीं किया है, इसलिए तुम्हारे पास में ये उगाया है,
टुडे इज थर्सडे, और आज कौन सा दिन है, आज थर्सडे है, एंड यू हैव डन नो वर्क, और सिंस मंडे, मंडे से तुमने कोई काम नहीं किया है, व्हेन द वर्क बिगन, और वर्क जो है वो मंडे से स्टार्ट हो गया था, तो फिर तुमने कोई काम नहीं किया, तो फिर अब तुमको, नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, अब तुम काम करने जाओगे. हाउ कैन आई, सेड द कैमल, कैमल ने अब बोलना चालू किया, उसने कहा कि मैं कैसे काम करूंगा, विद दिस हम्प ऑन माय बैक, अब तो मेरे बैक पर बहुत बड़ा हम्प भी हो गया है. हाँ, तो फिर क्या जवाब दिया डिजन ने, है ना, दैट्स हिज पर्पस, सेड द डिजन, और डिजन ने क्या कहा, इसका एक उद्देश्य तो है, ऑल बिकॉज ऑफ, बिकॉज यू मिस दोज थ्री डेज, और तुमने जो तीन दिन जो है मिस्ड कर दिए हैं, इसलिए तुम्हारे ऊपर है, एंड यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर थ्री डेज, और अब तुम्हें है लगातार तीन दिन तक काम करोगे विदाउट ईटिंग, और तुम खाना भी नहीं खाओगे, बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर हम्प, और क्योंकि तुम इस हम्प के द्वारा ही तुम जीवित रह सकते हैं, डोंट यू ईवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू, और अब मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं करूंगा, ऐसा उसने डिजन ने कहा. कम आउट ऑफ डेजर्ट एंड गो टू द थ्री एनिमल्स एंड बिहेव, अब तुम इस डेजर्ट से बाहर जाओ और उनके साथ में जो तीनों एनिमल्स उनके साथ अच्छी तरह से बिहेव करो. एंड द कैमल बेंट अवे टू जॉइन द थ्री एनिमल्स, जो कैमल था वो वहां पर पहुंचा और उसने तीनों एनिमल्स को ज्वाइन कर लिया. हाँ, एंड फ्रॉम दैट डे दिस कैमल ऑलवेज वियर ए हम्प, और उस दिन के बाद से जो कैमल था अभी तक उसके पास में हम्प है. वी कॉल इट हम्प, और हम उसको हम कहते हैं, नॉट टू हर्ट हिज फीलिंग, लेकिन हम उसको इसलिए नहीं कहते हैं ताकि उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचे, हम तो उसको वैसे नॉर्मली बुलाते हैं, बट ही हैज नेवर एट कॉट अप विद द थ्री डेज, और आज तक उसने उन थ्री डेज की भरपाई वो नहीं कर पाया है. ही मिस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड, जब उसने पूरी दुनिया के बनने के समय जो तीन दिनों को मिस कर दिया था, उनकी भरपाई वो आज तक नहीं कर पाया, और इसलिए आज तक उसके पास में वो हम्प है. एंड ही हैज नेवर येट लर्न हाउ टू बिहेव, और एक और चीज इसमें ये भी है कि आज तक वो ये भी नहीं सीख पाया है कि लोगों के साथ किस तरह से बिहेव करना चाहिए, किस तरह से उनके साथ में हमको लोगों के साथ में बातचीत करना चाहिए, अभी भी वो जुगाली करता रहता है और कई बार हम्प का साउंड भी वो निकालता रहता है. बच्चों, इस कहानी से हमको शिक्षा मिलती है कि हमें लेजी नहीं होना चाहिए, हमें एक्टिव होना चाहिए, हमें अपने काम के प्रति सचेत होना चाहिए, जो बड़े लोग हैं हमसे जो काम कहते हैं वो हमको करना चाहिए, और हमको लोगों से अच्छी तरह से बिहेव करना चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, स्टोरी हैज फिनिश्ड नाउ, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग.